بسم الله الرحمن الرحيم. القرآن حياتي. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंशाल्लाह सूरह अनआम आयत नंबर 12 एंड 13 देखते हैं। बहुत खूबसूरत आयतें हैं और इतना खूबसूरत मैसेज अल्लाह सुबहान तआला की तरफ से हमें मिल रहा है कि वाकई अल्लाह सुबहान तआला अपने बंदों से बहुत मोहब्बत करते हैं। इस आयत में इंशाल्लाह आपको ज़रूर पता लगेगा। चलिए इंशाल्लाह देखते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। بسم الله الرحمن الرحيم قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون। ऐ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पूछिए ज़रा इनसे किसका है जो आसमानों में और ज़मीन में है। ये तो कुछ जवाब नहीं देंगे। आप ख़ुद कह दीजिए अल्लाह ही का है। अल्लाह का तो ये, अल्लाह की तो ये सुन्नत है कि लाजिम कर लिया उसने अपने आप पर रहम करना, और ज़रूर बस ज़रूर वो जमा करेगा तुम सबको क़यामत के दिन, जिसमें कोई शक नहीं है। और क्या होगा उस दिन? जो लोग अपने आप को नुकसान में डालना चाहते हैं तो वही है जो ईमान नहीं ला रहे हैं। आयत नंबर 13। वलहू मा सकन फिल लैली वन नहार वहुवा समीउल अलीम। और उसी का है जो रहता है दिन में, रात में और दिन में, और वही है सब सुनता और सब जानता। बेशक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंशाल्लाह सूरतुल अनआम हम जो आयत नंबर 12 से देखेंगे कि चूंकि आपको बिल्कुल बेसिक ये बता दिया गया है कि तौहीद और शिर्क का बहुत ज्यादा खुलासा इसमें किया जाएगा, तो अभी कुछ आयतें ऐसी हैं जो गौर व फिक्र की है, बिल्कुल गौर व फिक्र। इंसान जब इसको सुने तो उसका शऊर बेदार हो जाए। तो क्या पता चला, हम जब दीन की दावत किसी को दें या हम किसी को तौहीद की तरफ अगर बुलाना चाहें तो इस तरीके से हमें जो है वो बात करनी चाहिए, ठीक है। एक शऊर आपका, मेरा और दाए दिन का जो है वो बेदार किया जा रहा है। ऐसा बोल रहे हैं कि देखिए, मन यहाँ पर क्वेश्चन में, इसलिए कुल जो है वो कहने में नहीं जाएगा। आप कह दीजिए नहीं, आप पूछिए। क्वेश्चन पूछा जाता है, कहा नहीं जाता है ना। तो कुल लिमन माफी समावाती वल अर्द, आप पूछिए लिमन किसका है जो आसमानों में है और जो जमीन में है। यानी एक शऊर को बेदार किया जा रहा है कि जो लोग शिर्क करते हैं अल्लाह सुभान व तआला के साथ, तो अल्लाह ताला बोल रहे हैं उनसे पूछो, जरा पूछो पूछो ये जो आसमान में है, ये जो जमीन में है, सब किसका है। तो अल्लाह सुभान व तआला ये भी बता दिए कि हालांकि इनकी जबान नहीं खुल रही है, ये कुछ जवाब नहीं देंगे, तो आप खुद ही जवाब दे दीजिए कुल लिल्लाह के। आप खुद कह दीजिए खुद ही कि अल्लाह ही का है। देखिए अल्लाह ही का है, तो क्या पता चला कि अल्लाह सुभान ताला का ही सब कुछ है जो आसमानों में, जो जमीन में है। और कहीं कहीं तो आया है इन दोनों के दरमियान जो है वो भी अल्लाह सुभान ताला का है।
तो क्या पता चला दोनों के दरमियान, अल्लाह का शुक्र है कि जब ऐसे स्टूडेंट से मैं क्वेश्चन पूछती, बताइए क्या है आसमान और जमीन में इन दोनों के दरमियान, पेड़ पौधे आसमान जमीन समंदर इंसान सब कुछ वो जो है वो काउंट कर लेते हैं। मैंने कहा आपने अपने आप को भुला दिया। देखिए एज ए इंसान अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी तो जमीन और आसमान के बीच में हूं ना, मेरी जात कहाँ गई। तो आयते जब हम दूसरों की तरफ ढकेलते हैं ना, तो यकीन करिए कि अमल की कुछ बात नहीं ले सकते। हाल अभी आज मुसलमानों का यही है, हर आयते वो दूसरों पे फिट करता है, हर आयते दूसरों पे फिट करता है, इसलिए तो उसको अमल की तौफीक नहीं मिलती या वो खुद भी गौर फिक्र नहीं करता है। तो देखिए खुद मेरी जात जो है वो अल्लाह सुभान व तआला की है। क्या पता चला मैं खुद अल्लाह सुभान व तआला की हूँ। तो आप एक बात बताएं, जिस रब की जमीन पर हम रह रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए, उस रब का कहना मानना चाहिए ना। देखिए फॉर एग्जाम्पल कि आपने समझिए कि कहीं पर आपने रेंट पर घर लिया या चलिए आपने उसको खरीद ही लिया, तो क्या आपको वो जो ऑनर वो पहला जो ऑनर था वो यूं ही आपको जो है वो चाबी वगैरह या फिर सारी प्रॉपर्टी के पेपर जो है घर के सब दे देता है यूं ही? नहीं, कुछ पे करना पड़ता है ना। तो अपने आप से पूछे, जिस रब की जमीन के ऊपर मैं आसमान के नीचे रह रही हूँ, आज तक मैंने अल्लाह सुभान तआला को क्या पे किया? और क्या करो, अपने आप से सवाल किया करो। अल्लाह तआला बोल रहे हैं अब कि सब कुछ अल्लाह का है, चलिए ठीक है। और एक बात कि ये देखिए कि अगर मुझे ये पता चल जाए कि एक कोई पावर है दुनिया में, ये सब कुछ उसका है, यानी किसी के अंदर पावर होना या फिर बहुत ज्यादा चीजों का मालिक होना, ये क्या तस्वीर पैदा करता है हमारे अंदर? ओहो अच्छा अच्छा उसके पास सब इतना कुछ है, ओहो कितना जबरदस्त होगा ना, वो बड़ा जालिम होगा, लोगों को जो है वो अपनी हुकूमत चलाता होगा, बड़ा जो है वो घमंडी टाइप का होगा, ऐसा होगा वैसा होगा। लेकिन ये देखिए कि अल्लाह सुभान ताला ने ये बताकर कि जमीन और आसमान में जो कुछ है सब मेरा है, उसके बावजूद अल्लाह सुभान ताला ने अपने बारे में कितनी खूबसूरत बात कही। देखिए एक इंसान का ये जो है एक सोच होती है इंसान की कि अरे भाई इसके हाथ में कुछ पावर है तो वो तो बड़ा जो है वो जबरदस्त होगा, घमंडी होगा, ऐसा ना। नहीं, लेकिन अल्लाह ने कहा कि मेरा सब कुछ होने के बावजूद कतबा अला नफ्सिही रहमा, सुभान अल्लाह, इतनी खूबसूरत बात है कि सूरह अनआम में दो मरतबा आयत का ये टुकड़ा दो मरतबा थोड़ी सी दूरी पर हम पढ़ेंगे। कितनी अहमियत है देखिए इस बात की, अगर आपको और मुझे बात समझ आ जाए कि अल्लाह सुभान ताला बोल रहे हैं कि तुम ये मत सोचो कि वो अल्लाह ताला बहुत कहार है, बहुत जबरदस्त है, गालिब है, ठीक है, लेकिन उसी के साथ साथ उसकी एक सिफत बहुत रहमान और रहीम भी है वो। तो ये देखिए कि तसव्वुर इंसान का वो इंसान के साथ हो सकता है लेकिन अल्लाह सुभान ताला के साथ बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए अल्लाह ने अपने अर्श पर एक बात जो है वो लिखी है। क्या है आपको पता है? अल्लाह के अर्श पर एक बात लिखी हुई है कि मेरी रहमत मेरे जो है गजब पर भारी है। अल्लाह अकबर, या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अल्लाह ने अपने अर्श पर लिखा है कि मेरी रहमत मेरे गजब पर भारी है। और क्या चीज है जब मुझे अल्लाह की रहमत चाहिए, उसके गजब को क्या चीज है वो दूर करती है? तो हमें वो काम करना चाहिए जिससे अल्लाह सुभान ताला का गजब गुस्सा उसका दूर हो और वो अपनी रहमत में हमें ढांप ले। उसमें फिर जो बात आती है अल्लाह का जिक्र अस्कार आता है, उसके साथ साथ सदकात भी आते हैं कि वो अल्लाह के गजब को खत्म कर देता है, अल्लाह के गजब को ठंडा कर देता है। तो सदकात के पानी से अल्लाह के गजब को जो है वो ठंडा करने की कोशिश करें। उसी के साथ साथ अभी देखिए कि आप बोलोगे कि नहीं ये बात हमको समझ नहीं आ रही है, तो ये बात ये ऐसी है, जरा खुद पर आप गौर करिए। चलिए खुद से हम शुरुआत करते हैं, खुद से आप शुरुआत करिए कि आप कभी कभार जो है वो भूखी रहती है, लेकिन मोस्टली अल्हम्दुलिल्लाह के हमारे पेट भरे हुए होते हैं। क्या अल्लाह की रहमत नहीं है? है ना अल्लाह की रहमत। हम बीमार कभी कभी होते हैं लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सेहत याब हमेशा रहते हैं, ये अल्लाह की रहमत है।
आप ये देखिए कि अल्लाह सुभान ताला ने बड़े बड़े जानवरों को इंसान के काबू में दे दिया। कि आप देखिए कि बैल हो या फिर आप सॉरी गाय हो या भैंस हो, उसका इंसान जो दूध निकालता है, और वो बकरी है उसका दूध निकालता है, ऐसा नहीं है कि पीछे से आपको जब वो लात घूंसे मार रही है, लेकिन अल्लाह सुभान ताला ने उसके अंदर रहमत डाल दी, उस रहम के वजह से आप उससे फायदा उठा रही है, लेकिन आपको वो तकलीफ नहीं देता है। सोचिए ऐसी बहुत सारी चीजें आप देखिए कि उसी तरीके से, और क्या है अल्लाह की रहमत, उसी तरीके से देखिए कि अल्लाह का एहसान मानिए कि जमीन इतनी हमवार अल्लाह सुबहान ताला ने बना दी, इतनी स्मूथली हम इसके ऊपर चलते हैं। आप सोचिए ये जमीन कहीं पहाड़ों की शक्ल में होती तो इंसान चलने को भी सोचता, ये सारी दुनिया ये जो जमीन है पहाड़ों के शेप में कर दिया जाता। उसी के साथ साथ इसी तरीके से आप बहुत सारी चीजों पर आप गौर कर सकती हैं कि किस तरीके से जो है अल्लाह की रहमत इंसान पर जो है छाई हुई है। अल्लाह अकबर, सोचिए ऐसा आप बोल रहे हैं कि ये मेरी रहमत है, उसी पे चलिए। अब देखिए एक बच्चा जो है, बच्चा पैदा होने से पहले माँ बाप से कोई एग्रीमेंट नहीं करता है कि अल्लाह ताला मुझे माँ बाप दे देना मैं जब पैदा होऊंगा, और बच्चा दुनिया में आता नहीं है कि इससे पहले उसके खाने पीने का इंतजाम अल्लाह ताला कर देते हैं माँ के थन में, और ये अल्लाह की रहमत है। अब बच्चा पैदा हो गया, कितना एक एक न्यू बॉर्न बेबी को आप देखिए, चाहे खुद का हो या दूसरे का हो, किस तरीके से हम उसको इतना केयरफुली होल्ड करते हैं, इतना केयरफुली उसको हैंडल करते हैं, तो आप सोचिए ये अल्लाह की रहमत है जो एक माँ के दिल में या लोगों के दिल में अल्लाह सुबहान तआला डालते हैं। और इसी तरीके से इन शॉर्ट आप ये देखिए कि चाहे शर का मामला हो वो भी अल्लाह की रहमत होती है। आप बोलो भाई शर में क्या रहमत है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोगों के नॉलेज में अगर ये बात हो कि जैसे कि सांप जब अपने सांप जो होती है जब वो उसके बच्चे होते हैं उसके अंडे में से जब उसके बच्चे निकलते हैं, तो आपको पता है एक एक वक्त में 100 से ज्यादा बच्चे निकलते हैं। आप सोचिए ये अल्लाह की रहमत है कि अल्लाह ने जो है वो सांप को ये हिदायत दी है, उसको ये इंस्ट्रक्शन दिया है कि पैदा होते ही ज्यादातर अपने बच्चों को वो खा जाती है, नहीं जमीन पे नहीं छोड़ती वो। नहीं तो सोचिए एक वक्त में एक सांप के 100 से ज्यादा बच्चे पैदा हो रहे हैं, तो वो इंसानों से ज्यादा तो सांप की जो है वो पैदावार हो जाती है। आप बोलोगे भाई इसमें क्या बड़ी बात है, तो ये देखिए कि आप सांप शर इंसान के लिए शर का मामला है ना, काट ले डस ले तो इंसान के लिए तो शर ही है ना, वो कोई खैर थोड़ी है उसके अंदर। लेकिन खैर क्या है पता है उसमें, कि आपको पता है कि छोटे छोटे ऐसे जो कीड़े मकोड़े होते हैं जिसको सांप खा लेता है, अगर वो ऐसे छोड़ दिया जाए दुनिया में तो न जाने इंसानों को वो कितना नुकसान पहुंचाते। ये अल्लाह की रहमत है कि शर की चीजों में भी अल्लाह ने बड़ी रहमत रखी है। सुभान अल्लाह, सोचे जरा अल्लाह अकबर। और उसी रहमत में से एक सबसे बड़ी रहमत का तذکرہ यहाँ पे किया जा रहा है, लयजमअन्नकुम इला यौमिल क़ियामति ला रायब फीह। ओहो आप बोलोगे भाई इसमें क्या रहमत है, कयामत के दिन आएगा इसमें क्या रहमत है। जी हाँ इसमें भी बहुत बड़ी रहमत है। मेरी रहमत में से एक चीज ये भी है कि जरूर बस जरूर हम जो है वो तुम सबको जमा करेंगे कयामत के दिन, और उस जमा करने में कोई भी शक नहीं है। इसमें क्या रहमत की बात है, थोड़ा सा आप गौर करिए कि ये देखिए कि अल्लाह सुबहान तआला ने इंसानों को दुनिया में भेजा, जिंदगी दी, मकसद हयात बता दिया। क्या पूरे कुरान हमें एक मकसद हयात देता है कि इंसानों को अल्लाह ने दुनिया में पैदा किया सिर्फ अपनी इबादत के लिए, और सूरह कहफ में और सूरह मुल्क में कि हम देखेंगे इंशाल्लाह आगे चलकर कि अल्लाह सुबहान ताला ने ये रूए जमीन पे इंसान को इसलिए भेजा ताकि वो देखे कौन तुम में से अहसन अमल करता है, कौन है तुम में से जो वो बेहतरीन अमल करता है। तो क्या पता चलो दुनिया में आपको जिंदगी सिर्फ अमल के लिए नहीं भेजी गई है, आपको सिर्फ जिंदगी अमल के लिए नहीं दी गई है, बल्कि आसन अमल कौन करता है, आसन आसन दर्जे से। आसन का ताल्लुक देखिए किताब और सुन्नत से है, अल्लाह की रजा से है, मुखलिस है, आपकी नियत में इखलास होना चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ उसमें आ जाता है। तो जिसने यानी कि मकसद हयात पा लिया, अब देखिए कि एक बंदा पूरी जिंदगी अल्लाह की रजा की गुजार रहा है, और एक दूसरा एक बंदा है वो बिल्कुल अल्लाह की मुखालिफत में और कुफ्र पे जिंदगी गुजार रहा है। तो सोचिए जब हिसाब किताब नहीं होना है, कयामत नहीं कायम होनी है, तो यहाँ पे तो ना इंसाफी हो गई।
एक बंदा जो अल्लाह की रजा पे जिंदगी गुजार रहा है और कयामत आने का मकसद भी अल्लाह ने बता दिया कुरान में, ताकि हम जो है वो तुम्हारे अमल का बदला दें, सजा और जजा तुम्हें सुनाए। अल्हम्दुलिल्लाह, तो खुश होता है वो बंदा जो अल्लाह की रजा पे जिंदगी गुजारता है कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि कयामत जैसा दिन तूने रखा है। ये अल्लाह की रहमत है, देखिए कि जो इंसान यहाँ पर अल्लाह की रजा पे जिंदगी गुजारेगा तो डेफिनेटली उसको उसकी जो है जजा मिलकर रहेगी, और जो नाफरमानियों के काम करेगा उसकी सजा उसको मिलकर रहेगी। आपको क्या रहमत आपको नजर आ रही है, इससे शुक्र निकल रहा है आपका कि किस तरीके से अल्लाह ने जो कह दिया कि मेरी रहमत में से ये भी तुम शुक्र करो कि कयामत आएगी, और इस बात में कोई भी शक नहीं है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात होगा क्या उस दिन, अल्लज़ीना खसिरू अनफुसहुम वहुम ला यूमिनून, होगा क्या उस दिन? हाँ, कयामत तो आएगी, देर इज नो डाउट, लेकिन वो लोग जिन्होंने नुकसान में डालना चाहा अपने आप को, अल्लाह ताला ने उनके बारे में सर्टिफाई कर दिया, फहम ला यूमिनून। अल्लाह अकबर, अल्लाह ऐसे लोगों में शामिल ना करे। तो क्या पता चला कि आप अगर दुनिया में और आखिरत में अल्लाह की रहमत चाहती हैं तो सबसे बड़ी चीज आपको क्या करना है, सबसे अहम काम, ईमान लेके आ जाओ। क्यों? क्योंकि रहमत का ताल्लुक ईमान से है। जो बनता ईमान ले आता है। अच्छा बोलेंगे, ओहो भाई हम तो ईमान वाले, बाबा ईमान वाले घर में पैदा हुए, हमारे माँ बाप ईमान वाले थे। देखिए आज का मुसलमान मैं नहीं समझती कि ईमान वाला है, बिल्कुल नहीं। रस्मी मुसलमान है, उसको बचपन से एक मुसलमान का माहौल मिल गया है, एक फैमिली मिल गई है, माँ बाप मिल गए हैं, लेकिन ईमान का ताल्लुक किताब और सुन्नत से। एक मुसलमान भी जब तक शौहरी तौर पर वो दीन को नहीं फॉलो कर लेता है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने दिया है, कभी भी इस कैटेगरी में नहीं आ सकता है। क्यों? क्योंकि फर्क क्या रह गया बताइए, एक डिसबिलीवियर जो अल्लाह को नहीं मानता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानता है, वो भी जिंदगी गुजार रहा है ना, कमा रहा है, खा रहा है, अपने बच्चों को पाल रहा है, सब कुछ कर रहा है। मुसलमान भी अगर किताब और सुन्नत पर अमल नहीं करता है तो वो भी उसी की तरह हो गया, वो भी सुबह उठता है, जाता है, कमाता है, खाता है, घर वालों को लाके खिलाता है। फर्क क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ना कि एक काफिर और एक मोमिन में फर्क जो है वो ईमान का है, नमाज का है, और जिस तरह अल्लाह के हुक्म पे चलने का है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल करने का है। रस्मी मुसलमान आप बनेंगी तो उससे आपका कुछ नहीं होने वाला। अल्लाह ने जिन्होंने नुकसान डाल दिया खुद को, देखिए यहाँ पे अपनों को भी और अपने आप को भी, अल्लाह ने फिर कह दिया कि ये लोग ईमान नहीं लाने वाले, दैट मीन्स इनको अल्लाह की रहमत जो है वो कभी भी नहीं मिलेगी, जिन लोगों ने जो है ईमान नहीं लाया। तो क्या पता चला कि ईमान, रहम चाहिए तो ईमान लेकर आइए। और पता है आपको ये लोग कौन है जो नुकसान में डाल रहे हैं? ये वो लोग हैं जो हक और बातिल में फर्क नहीं कर पाते हैं, उसके फर्क को मिटा नहीं पाते हैं। सारा खुलासा और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए अल्लाह ने कर दिया है कि क्या हक है, क्या झूठ है, क्या सच है, तुम्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है, सारी चीजें अल्लाह ने अपनी किताब से बता दिए। उसके बावजूद वो हक को जानते के बावजूद वो बातिल पर चलता रहता है, बाप दादा के दीन को फॉलो करते रहता है, सुन्नत को अहमियत नहीं देता है, किताब को अहमियत नहीं देता है। अतरा बोल रहा है ऐसे लोगों को मेरी रहमत बिल्कुल नहीं मिल सकती। हाँ ठीक है, फौरी तौर पर कुछ टाइम के लिए उनको जो है वो दुनिया में फायदा तो मिल जाएगा, लेकिन कयामत के दिन वो बिल्कुल उन्होंने अपने आप को खसारे में डाल लिया। इस तरीके से अल्लाह सुबहान तआला समझा रहे कि आज भी जो है अगर मुसलमान जो है यानी कि बिल्कुल सुधर जाए और संवर जाए तो अल्लाह सुबहान तआला की रहमत उसको मिल जाएगी। और बिल्कुल एक वर्ड में अगर मैं इस अला नफ्स ही रहमत को समझाना चाहूं तो मैं ये कह सकती हूँ आपको कि रहमत क्या है अल्लाह की, जो हमारी देखिए कि रूटीन लाइफ है, बस इसको समझ लीजिए, और रूटीन लाइफ ये अल्लाह की रहमत है। अल्लाह का शुक्र अदा करें, अल्लाह ने जिस हाल में भी रखा है और उसकी रहमत को महसूस करिए। कभी भी देखिए कि अच्छे अच्छे रहते रहते कभी हालात आ जाए तो ना शुक्री मत करिए, हाय अल्लाह तो मुझ पर रहम ही नहीं करता है, अल्लाह ने तो मुझे छोड़ दिया है, अल्लाह को मैं ही मिली थी क्या ऐसा करने को, अल्लाह ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और आप चाहती है कि मुसलसल आप पर अल्लाह की रहमत जो है वो आती रहे आती रहे, तो आप अपने आप को अल्लाह के हवाले करते करके देखिए।
चाहे वो ड्यूटी लाइफ हो आपकी, चाहे वो दीन का काम हो, दुनिया का काम हो, कि अल्लाह तू अपने रहमत में मुझे ढांप ले। और देखिए कि अल्लाह की रहमत के बगैर आप ना अच्छी जिंदगी गुजार सकते हैं, ना आपको अच्छी मौत आ सकती है, ना आपको आपका कुछ जो है वो कब्र में बनना है, ना हश्र में बनना है। मांगिए, जन्नत में भी इंसान देखे कि अल्लाह की रहमत से दाखिल होगा। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के सामने ये कहा, सहाबा ने कहा कि या रसूलल्लाह आप भी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हाँ मैं भी अल्लाह की रहमत से जो है वो जन्नत में दाखिल होऊंगा। ठीक है, तो ये जो है क्या पता चला कि कोई भी ये गुमान ना करे ओहो मैं तो बड़ी अच्छी मुसलमान हूँ, मत मोहम्मदिया हूँ, देखो देखो दुनिया में कितने अच्छे अच्छे काम करती थी, तो जन्नत तो अल्लाह ताला को देना ही पड़ेगा मुझे। नहीं, देखिए दुआ क्या करो, सिर्फ जन्नत मत मांगे, ऐसे अल्लाह तेरी रहमत से जो है वो जन्नत में दाखिल कर दे। और जन्नत अल-फिरदौस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मांगने को कहा तो उसके साथ भी आपको, देखिए मेरे आपके अमाल बिल्कुल नहीं है, मैं आपका तो नहीं बता सकती, मैं अपना, मैं कभी भी गुमान नहीं कर सकती या मैं दावा नहीं कर सकती कि मेरे अमाल ऐसे कि अल्लाह ताला मुझे जन्नत दे, सोच भी नहीं सकती। हाँ लेकिन मैं उसकी रहमत से ना उम्मीद नहीं हूँ, अल्लाह तेरी रहमत से जो है वो जन्नत में दाखिल कर दे, क्योंकि अमाल के बेस पे तो हम, मैं और आप कोई भी दावा नहीं कर सकते कि हमें जन्नत जो है वो मिल सकती है। तो एक अपनी दुआओं में एक दुआ को शामिल करिए कि अल्लाह तूने जो अपनी रहमत का वादा किया है, तूने अपने जिम्मे पर, अपने खुद पर जो रहम तूने लाजिम कर लिया है, अल्लाह तुझे उस रहम का वास्ता है, तू मुझ पर रहम कर। अब वो किस तरीके से अल्लाह रहम करेंगे वो आप, मैं गुमान नहीं कर सकते। ठीक है, तो कोशिश ये करें कि अल्लाह सुबहान तआला से उसका रहम मांगे। और देखिए कि कभी भी, देखिए दिन रात हमसे बहुत सारे नाफरमानी के काम होते हैं ना, हम सोच भी नहीं सकते हैं न जाने किस गलती पर अल्लाह सुबह तला आपकी मेरी पकड़ कर लेना। तो सबका करते रहा करो, कभी कभी देखिए कि अल्लाह के गजब को जो है वो सदका सदका जो है वो ठंडा कर देता है, तो इस चीज की आदत डालें। अक्सर मैं जो है बच्चियों को ये चीज समझाती हूँ, आप चाहती है अपनी जिंदगी में बहुत आसानी है ना, लाइफ मेरी स्मूथली चलती रहे, कभी कोई परेशानी ना आए, तो मैंने कहा दो चीजों को लाजिम कर लीजिए। वैसे तो करने के बहुत सारे काम है, लेकिन दो चीजें क्या, एक तो अल्लाह के रास्ते में हमेशा जो है वो खर्च करते रहिए, सदका करते रहिए, और दूसरी चीज नमाज कभी मत छोड़िए। दो चीजें अपनी जिंदगी का हथियार बनाइए, ये दो चीजें, ऐसा सपोर्ट अल्लाह सुब्हान तआला की तरफ से आपको मिलेगा, यकीन करिए कि जिंदगी बहुत अच्छे से आपकी गुजरेगी। आप देखिए, आप बोलोगे मेरे पास तो भाई नहीं खर्च करने को, आपको ये नहीं बोला जाए कि भाई लाख दो लाख आप खर्च करिए, जो आपकी इस्तेआत है, जो भी आपको लगता है। अब देखिए कि डेली हम बाहर नहीं जाते, ठीक है, डेली हम किसी से मुलाकात नहीं कर रहे हैं कि हम किसी को दे दें, आप एक साइड में अपना एक पॉकेट रखिए, ऐसा कोई पाउच रखिए कि डेली आप उठती हैं सुबह तो जो भी आपकी हैसियत है ना, उसके हिसाब से आप वो अमाउंट निकालें उस दिन का, उस दिन से तो बड़ी हो जाए आप कि आज मैंने अल्लाह तेरे वास्ते ये चीज मैंने जो है सबका निकाला है, और ये दिल में इरादा करके अल्लाह मेरे जान और माल का जो है वो सबका मैं तेरे रास्ते में दे रही हूँ। देन इसके बाद आप कभी भी बाहर जाए तो वो अमाउंट बिल्कुल काउंट मत करिए। देखिये अल्लाह सुबहान तआला हमें नियामतें, अपनी रहमतें काउंट करके नहीं देखते ना, जो हाथ में आए दे दीजिए। आपने जो रखा है उस पाउच में आपको पता है ना, मत उसको काम करिए, ये हाथ डालिए अपने जेब में, जो निकलता है दे दीजिए। देखिए यकीन करिए, अल्लाह का वादा है, तो मेरे रास्ते में एक रुपया लगाओगे 700 रुपया, ये तो बिल्कुल 700 रुपया तो फिक्स है, कहीं नहीं जाने वाला है। लेकिन अल्लाह सुब्हान तआला बोल रहे हैं बिल्कुल आयत का अगला हिस्सा सूरतुल बकरा में कि इससे भी ज्यादा मैं बढ़ाकर दूंगा। फिर वो टर्म्स एंड कंडीशन पे डिपेंड करता है कि किन हालात में आपने जो है वो उसको खर्च किया है ना, आप तंग हालात में थे उसके बावजूद आपने अल्लाह के रास्ते में दिया है, तो अल्लाह सुब्हान तआला 700 का 7,000 भी एक रुपया बताइए, दुनिया का कोई कोई भी कंपनी या कोई बैंक आपको इतने बेनिफिट का वादा करती है, लेकिन उसके बावजूद हम बैंक वालों को लाखों रुपए उनके अकाउंट में जमा करके और गारंटी के नाम पे एक कागज का टुकड़ा ले आते हैं। इतना भरोसा दुनिया वालों पर, अल्लाह पे भरोसा नहीं है। अल्लाह अकबर, देखिए यकीन की बात है, यकीन है तो आप कर ले, यकीन करिए, आप इसको अमल में लाकर देखिए, इतना सुकून मिलेगा ना आपकी जिंदगी में, मत बताइए किसी को मैं करती हूँ ऐसा ना, आप मशवरा दीजिए। आपके सामने कोई भी मसला लेकर आए, आप एक काम करें, इस्तग़फार करें, सदका करें, और बिल्कुल जो है इन चीजों को अपने पर लाजिम कर ले, नमाज मत छोड़िए। मैं ये चंद चार पांच ही सॉल्यूशन है जो मैं लोगों को देती हूँ, बाकी कोई लंबी चौड़ी लिस्ट में देती हूँ सॉल्यूशन की, क्योंकि देखिए तमाम हमारी जिंदगी के मामला इसी से जुड़े हुए हैं। ठीक है,
इरादा करिए, अल्लाह सुबहान तआला आसानी करेंगे इंशाल्लाह, और अभी अभी कि इंशाल्लाह मैं इस पर अमल करूंगी, और ये इंशाल्लाह इस वक्त हो सकता है अल्लाह की बारगाह में अगर समझिए फरिश्तों ने पहुंचा दिया तो कितनी अच्छी बात होगी ना आपके लिए इंशाल्लाह। ओके, अब उसी के साथ साथ और अल्लाह की मोहब्बत की निशानी अल्लाह सुबहान तआला बताते हैं कि अल्लाह वो जात है कि उसी का है जो रहता है, बसता है रात में और दिन में, और वही है जो असमीउल अलीम है, सब कुछ सुनता और जानता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। जब देखिए, मैं कहती ना अक्सर आपको कि जब मैं रात में बिस्तर पे लेटती हूँ तो यकीनन बदन मेरा एक ही जिस्म का एक ही हिस्सा शुक्र अदा करता है, अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने रात बनाई है। ये दिन में हम इतना जो काम करते थकते हैं तो अल्लाह ने रात को सकन बनाया है, सुकून वाला बनाया है। उसी के साथ साथ देखिए कि बसता है, यानी कि अल्लाह ताला को सब पता है कि रातों में क्या चीज कहाँ पर है, कहाँ बसती है, कहाँ रहती है ना। और उसी तरीके से रात अल्लाह ने जो है वो सुकून के लिए बनाया। और जो इंसान देखिए नेचर से हटके काम करता है, फितरत से हटके काम करता है, रात को काम कर रहा है, दिन को आराम कर रहा है, उसकी जिंदगी यकीन करिए कि बड़ी बोरिंग लाइफ होती है ऐसे लोग की। मैं सोचती हूँ बंदा कैसा है, रात को काम करता है, दिन को आराम करता है, बिल्कुल फितरत से हटके। कभी भी देखिए इंसान जो नेचर पे रहता है ना, बड़ा इत्मीनान वाला, बहुत हैप्पीली। आप देखिए कि आप सूरज को देखिए कितना खुश है, चांद को देखिए कितना खुश है, सूरज ये दिन निकलता है तो कितने खुशी खुशी, क्यों? क्योंकि नेचर पर है। जो चीजें फितरत पे होती है, ये दिन रात, ये चांद, सितारे, पेड़ पौधे, समंदर, ये पहाड़, ये मुझे और आपको मैसेज दे रहे हैं कि देखो हम फितरत पर हैं, हम नेचर पर हैं, हम कितने इत्मीनान में हैं, कोई भगदड़ नहीं इनकी जिंदगी में, कोई परेशानी नहीं। होती तो कुरान में अल्लाह ताला बता देते हमें। सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुबहान ताला ने इंसानों की परेशानियों का तस्करा किया, क्यों? क्योंकि वह अल्लाह सुबहान ताला को अपने लिए असमीउल अलीम काफी नहीं समझता है। बोल रहे हैं कि अल्लाह वो जात है जो रात में भी तुम्हारा सुनता है, दिन में भी तुम्हारा सुनता है, तुम्हारे दिल की बात को सुनता है, तुम्हारे जोर से कहने को भी सुनता है। और जो लोग अल्लाह को काफी नहीं समझते हैं ना, नाउज़बिल्ला, जो ये सोचते हैं कि नहीं नहीं अल्लाह सुबहान ताला जो है ना रात को सुनता है ना दिन को सुनता है, तो ठीक है भाई, जाइए जिसको सुनाना है उसको सुनाइए फिर। अब्बा, मैं तेरी रहमत की उम्मीदवार हूँ, फिर मुझे एक लम्हे के लिए भी मेरे नफ्स के हवाले न कर और मेरे सब हालात संवार दे, क्योंकि तेरे सिवा कोई माबूद नहीं है। अब्बा, मैं तुझसे नफे बख्श इल्म, पाकीज़ा रिज़्क और कबूल होने वाले अमल का सवाल करती हूँ। अब्बा, मुझे फ़ायदा दे उसके साथ जो तूने मुझे सिखाया है, और मुझे सिखा जो मेरे लिए फ़ायदेमंद हो, और मेरे इल्म में इजाफा फरमा दे। आमीन। अब्बा, मेरे गुनाहों को बख्श दे, मेरे घर में वुसअत फरमा और मेरे रिज्क में बरकत अता फरमा। अब्बा, मुझ पर मेरे बुढ़ापे के करीब और मेरे उम्र के खात्मे तक अपना रिज्क कुशादा कर रखना। अब्बा, मेरी किफ़ायत को अपने हलाल के साथ अपने हराम से बचा, और मुझे अपने फजल से अपने सिवा हर किसी से बेनियाज कर दे। आमीन या रब्बी। अल्लाह, जो रिस्क तूने मुझे अता किया है उसमें मुझे इनायत और बरकत अता करना, और मुझे हर गायब होने वाली चीज का बदला भलाई के साथ अता करना। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाह, कोई काम आसान नहीं मगर जिसे तू आसान कर दे, और जब तू चाहता है मुश्किल को आसान कर देता है। तो अब्बा, इन दुआओं के साथ मैं तुझसे दुआ करती हूँ कि तेरी किताब को समझना हम पर आसान कर दे, तेरी किताब को समझकर उस पर अमल करना हमारे लिए आसान कर दे। इंशाअल्लाह, आमीन या रब्बल आलमीन। सुभानल्लाहि व बिहमदिही, सुभानका अल्लाहुम्मा व बिहमदिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, व सलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। रब्बना आतीना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार।
रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंत समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंत तवाबुर रहीम। आमीन या रब्बल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।